नमस्कारम, दिस दीपक तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्वान इंस्टीट्यूट। फर्स्ट वर्ड है अपने पास है ट्रैम्पल यानी कि रौदना, स्क्वेरम यानी कि छटपटाना, छटपटाहट भी होती है इसका मतलब, एक्शन भी है नॉन एक्शन भी दोनों है ये। अगला है अपने पास है रेक्टिफाई यानी कि सुधारना, फ्रिस्क यानी कि तलाशी लेना, पोंडर विचार करना, नलीफाई यानी कि रद्द करना, फ्लॉन्ट यानी कि इतराना, पेम्पर लार प्यार करना, दुलार करना। अगला है फ्लैप यानी कि फड़फड़ाना उड़ते हुए। अगला है अपने पास है पाउंस यानी कि झपटना, फ्लैटर यानी कि चापलूसी करना, केजुअल का मतलब भी चापलूसी करना होता है। अगला है अपने पास बिकर यानी कि झगड़ना। अगला है रेट यानी कि दोहराना, एक ही बात को बार बार दोहराना मतलब बोलना, कहाँ गए थे ये क्या हो, रेट है। जैसे आप कहीं से आए, किसी ने कहा कि आप कहाँ गए थे, तो बस यहीं पे, फिर कुछ थोड़ी देर बाद कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ गए थे, ये क्या है, रेट है ये। अगला अपने पास है स्मैक यानी कि तमाचा मारना जोर से, सिंपल थोड़ा धीरे से मारने को बोलते हैं स्लैप। अगला है अपने पास है फ्लॉट यानी कि उल्लंघन करना किसी कानून वगैरह का। अगला है अपने पास है प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना किसी बात को, बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करना। अगला अपने पास है इनवर्ट यानी कि उल्टा करना, इंसर्ट का मतलब सीधा करना होता है वैसे। अगला अपने पास है अचीव यानी कि हासिल करना, रिस्पेक्ट लिहाज करना, इज्जत करना। अगला अपने पास है इम्पोज यानी कि थोप देना कोई भी चीज़ किसी के ऊपर, इम्पोज करना। अगला है मिसलीड करना, गुमराह करना, इंटरप्ट बीच में टोकना, टांग अड़ाना, बिलाई यानी कि झुठलाना किसी को। अगला अपने पास है डिस्गस का मतलब होता है भेष बदलना, बीवेयर यानी कि सावधान रहना, प्रोसिक्यूट यानी कि सताना, प्यूरीफाई यानी कि शुद्ध करना, इमिटेट यानी कि नकल करना किसी की, स्कम्ब यानी कि हार मान लेना, झुक जाना किसी बीमारी से, किसी दिक्कत से, और लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे हार मान लेना, वहाँ पे गिवअप होता है। अगला अपने पास है डिसोन का मतलब है अपनाने से इनकार करना किसी चीज़ को, डिसोन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाने से इनकार कर देना। अगला है अपने पास है तरसना, तरसने को बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं क्रेव यानी कि तरसना। अगला अपने पास है गेदर यानी कि इकट्ठा होना। अगला है वेनिस यानी कि गायब हो जाना। अगला है मेमोराइज यानी कि याद करना किसी चीज़ को, इसे बोलते हैं किसी चीज़ को जो भूल गए होते हैं, यहाँ पे पढ़ के कुछ याद करना होता है, मेमोराइज करना, इसको हिंदी में इस तरह से बोलते हैं। अगला अपने पास लीक यानी कि रिसना, मिल्क यानी कि दूध निकालना, स्क्वीज मिल्क भी होता है उसका मतलब भी दूध निकालना होता है। अगला अपने पास है स्विंडल यानी कि ऐठ लेना, ठग लेना, और ठगने को फोप भी बोलते हैं, FOB फोप का मतलब भी ठगना होता है। अगला है अपने पास है इबेस्ट्रॉप का मतलब है छुपकर सुनना, इबेस्ट्रॉप। अगला स्टॉक यानी कि पीछा करना, कंसील यानी कि छिपाना, जस्टिफाई यानी कि सफाई देना। अगला है शैम यानी कि पाखंड करना, इम्पोस्टर का मतलब बहुरुपिया होता है, पाखंड करना होता है, पाखंडी होता है मतलब। अगला अपने पास है सर्टेल का मतलब होता है छोटा करना या घटा देना किसी चीज़ को, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कपड़ा है उसको सर्टेल कर देना, या फिर कोई बेड का साइज है उसको छोटा कर देना या ऐसे कर देना, तो उसको सर्टेल होता है। अगला अपने पास है पोल्यूट का मतलब है प्रदूषित करना। अगला है मिंगल का मतलब है घुल मिल जाना किसी जगह पर, मिंगल मतलब घुल मिल जाना। अगला है एग्जेगरेट का मतलब है बढ़ा चढ़ा कर कहना, मोडिफाई करके मतलब। अगला अपने पास है मिस्टिकेट यानी कि चबाना, जिसमें आवाज़ आए चबाने से उसे मिस्टिकेट कहते हैं, और जिसको चबाने से आवाज़ नहीं आती उसे च्यू कहते हैं। अगला अपने पास है डिमोलिश का मतलब है गिरा देना या तोड़ देना बिल्डिंग वगैरह। अगला है अब्सटेन यानी कि परहेज करना किसी चीज़ से, अब्सटेन करना। अगला एक्सचेंज का मतलब है अदला बदली करना। तो मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।